दिया हुआ है हमें, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो पोस्टफिक्स में लिखा हुआ है और उसमें कॉमा सेपरेट कर रहे हैं उन चीजों को। आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को पहले तो इनफिक्स में बदलना है, किसमें बदलना है, इनफिक्स में बदलना है, और उसके बाद इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले इस एक्सप्रेशन को इनफिक्स में बदलना है और इसी एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 5, 6, 2, + कॉमा मल्टीप्लाई देन 12 देन 4 देन डिवाइड देन माइनस देन। अभी करना क्या है आपको, आपको यहां से चलना है इस तरफ से और क्या करना है, जैसे ही कोई ऑपरेटर मिले, जैसे ही कोई ऑपरेटर मिले उसके पहले वाले दो ऑपरेंड के बीच में लगा दो उसको, क्योंकि इनफिक्स करना है ना। स्टार्ट करता हूं, तो हमें मिला 5 मिल गया, हमें मिला 6 मिल गया, हमें मिला 2 मिल गया, लेकिन उसका प्लस मिल रहा, तो हमने क्या लिख दिया, 6 + 2, और ये एक नंबर में कन्वर्ट हो गया। हमने इसमें मल्टीप्लाई लगा दिया, हमने फिर 12 लगा दिया, 4 लगा दिया, फिर डिवाइड है, फिर माइनस, फिर चलना शुरू किया। 5 एक नंबर है, ये एक नंबर है, और उसके बाद क्या मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, 6 + 2 देन 12 देन 4 देन डिवाइड देन माइनस। हम इधर एक नंबर ये हो गया, एक ये है, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, हम जैसे ही चलना शुरू किए तो हमें एक डिवाइड मिल गया। मैंने क्या बोला, पहले के दो नंबर उठाओ और उसके बीच में क्या लगा दो, डिवाइड। तो पहले के दो नंबर क्या है, ए और ये, तो क्या होगा यहाँ पे, एज इट इज रहेगा 5, 6 + 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 / 4। अब एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, और माइनस ये बचा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसके और इसके बीच में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 5 × 6 + 2, फिर क्या, माइनस 12 / 4। तो दिस इज द गिवन इनफिक्स, इनफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ दिस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का ये क्या है बेटे, इनफिक्स। क्लियर हो गया, मैंने क्या बताया कि आपको क्या करना है, इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट, हाँ, लेफ्ट से राइट चलना है, और लेफ्ट से राइट चलते समय क्या करना है, जैसे ही कोई ऑपरेटर दिखे उसके पीछे अगर दो ऑपरेंड है तो उनके बीच में उस ऑपरेंड को फिट कर दो। क्लियर, बस सिंपल फंडा, इससे इजी फंडा कोई नहीं हो सकता, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो यहां पे कन्वर्ट हो गया। अब आता है क्वेश्चन कि अगर मैं इसको बिना स्टैक के सॉल्व करूं तो क्या आंसर आएगा। पहले ये सॉल्व होगा, 6 + 2 कितना हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, 40, 12 / 3, 4 क्या हो गया, 3, कितना हो गया बेटे, 37। ये तो आ गया जब आपने मैनुअली सॉल्व किया, लेकिन अगर हम इसी चीज को हम स्टैक से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो फिर हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें बच्चे दो कॉलम होंगे। ठीक है, दो कॉलम होंगे, क्या कौन कौन से कॉलम होंगे, एक तो होगा सिंबल्स, जो हमारे पास सिंबल है बेटे, ठीक है, और एक हमारा होगा स्टैक। वेरी गुड, एक हमारे पास सिंबल होगा, एक स्टैक होगा। नंबरिंग शुरू कर दो, पहले नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, 5, दूसरे नंबर पे क्या शुरू, तीसरे नंबर पे क्या है, 2, चौथे नंबर पे प्लस, पांचवें नंबर पे मल्टीप्लाई, छठवें नंबर पे बच्चे 12, सातवें नंबर पे 4, आठवें नंबर पे डिवाइड, नौवें नंबर पे माइनस, खत्म हो गया, यही है। चलो, सबसे पहले 5 आया तो स्टैक में 5 आ गया, फिर 6 आया तो 5, 6 स्टैक में ऊपर 6 पड़ा हुआ, फिर क्या था, 2 आ गया, तो 5, 6, 2 आ गया, फिर प्लस आ गया, तो क्या करेंगे, ऊपर को 2 को निकालेंगे और लगा के जोड़ देंगे, तो ऊपर के दो ऑपरेटर को, दो ऑपरेटर 6 और 2 और 6 को में प्लस डालोगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 5, 8। क्लियर हो गया आपको, समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन, किसी को कुछ पूछना है, देन मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 2 ऊपर ही है, ठीक है, निकाल दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 40, फिर क्या आ रहा है, 12, तो 40, 12, वेरी गुड, फिर क्या आ गया, 40, 12, 4, फिर क्या हुआ, डिवाइड, तो 40, 12 और 4 के बीच में डिवाइड लगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो आंसर 3 आ गया, और माइनस है तो आंसर क्या आ गया, 37। यू कैन चेक कि आपने जो मैनुअली निकाला था वो बराबर है आपका स्टैक के थ्रू। क्लियर हो गया, तो दिस इज अ क्वेश्चन वेयर You have to, पहले तो आपको क्वेश्चन दिया होगा किसमें, पोस्टफिक्स में, उसको पोस्टफिक्स को बदलना है किसमें, प्रीफिक्स में, और इसी क्वेश्चन को स्टैक के थ्रू सॉल्व करना है। तो मैंने दोनों मेथड बता दिए, दैट्स ऑल, ओके।